हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज, इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में क्लासिक्स हनीसकल बुक की पोएम नंबर 8 व्हाट इफ का समरी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। समरी इन इंग्लिश, द नरेटर इज अ यंग गर्ल। जो ये पोएम है और जो इस पोएम को बता रहा है वो नरेटर, जो लेखक है, वो एक छोटी सी लड़की है। हर माइंड इज समटाइम्स फिल्ड विद डाउट्स एंड फियर्स। और जो छोटी सी लड़की है उसका जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसके अंदर बहुत सारी शंका आ जाती है और डर भी आ जाता है, डर से भर जाता है, फील्ड का मतलब भर जाता है। सो हर माइंड इज समटाइम्स फिल्ड विद डाउट्स एंड फियर्स। तो जो उनका माइंड है, मस्तिष्क है, वो कभी कभार डाउट, शंका से और डर से भर जाता है। एट नाइट सच अनप्लेजेंट सिचुएशंस हॉन्ट हर। और ये स्पेशली रात ही में होता है उसके साथ। अनप्लेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट का मतलब बेकार और सिचुएशन का मतलब है स्थिति। तो ऐसी बेकार स्थिति उसको डराती है। हॉन्ट का मतलब है डराना। शी वंडर्स व्हाट विल हैपन इफ शी लूजेस हर पावर टू स्पीक। और वो सोचती है क्या होगा अगर वो बोलने की शक्ति खो दे। और इफ द स्कूल क्लोजेस द स्विमिंग पूल, या फिर क्या होगा कि अगर स्कूल स्विमिंग पूल को बंद कर दे। और इफ शी गेट्स बीटन अप, क्या होगा अगर उसको किसी ने पीटा। और इफ समबडी पुट्स पॉइजन इन हर कप, क्या होगा अगर किसी भी पर्सन ने, किसी भी व्यक्ति ने उसके कप में जहर डाल दिया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट शी मे गेट सिक एंड डाई। और ये भी संभव है कि वो बीमार पड़ जाए या फिर वो मर जाए और फेल इन द एग्जामिनेशन, और वो एग्जाम में, परीक्षा में फेल हो जाए, असफल हो जाए। और स्टॉप ग्रोइंग इन हाइट, और ये भी हो सकता है कि उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाए। और इज हिट बाय लाइटनिंग, और हो सकता है कि वो बिजली से, जो कड़कड़ाती है बिजली जब बारिश आती है, उस बिजली से वो मर जाए। द अदर सच बैड सिचुएशंस आर दैट द विंड मे टेयर अप द काइट। और कुछ और बैड सिचुएशंस हैं, बेकार स्थितियां हैं। वो ये सोच रही है कि क्या होगा कि जो हवा चल रही है, जो उसकी पतंग है, उसको फाड़ दे। और अ वॉर ब्रेक्स आउट, क्या हो कि युद्ध शुरू हो जाए। ब्रेक्स आउट का मतलब शुरू होना। और हर टीथ ग्रो इरेगुलरली, और क्या हो कि उसके जो दांत हैं, जो बढ़ रहे दांत, वो इरेगुलरली तरीके से बढ़े, किसी अजीब तरीके से बढ़े। और शी मे नेवर लर्न टू डांस, और हो सकता है कि वो कभी भी डांस ना सीखे। तो यहाँ तक हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो नैरेटर है, जो लड़की है, बहुत सारे उसके माइंड में डाउट्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं जो वो सोच रही है। When she wakes up next morning, और जब वो अगली सुबह उठती है, everything looks fine and normal, और सब कुछ बिल्कुल सही दिखता है, बिल्कुल सामान्य दिखता है, अच्छा दिखता है। But her fears return at night again, फिर रात में दोबारा से उसके जो डर है वो रिटर्न कर वापस आ जाते हैं। Now let's discuss the word meaning from the poem. What ifs का मतलब होता है what will happen in case these happen, क्या होगा अगर ये हो तो। तो what if हम sentence से शुरुआत करते हैं, what ifs। Crawled का मतलब है कम स्लोली और क्रैप, यानी कि रेंगना। Pranced, sprang on hind legs, पिछले टांगों पर उछालना। Partied, had fun, मजे करना। Dumb, unable to speak, ना बोल पाना। Beat up, thrashed, बुरी तरह से पीटना। Flunk, fail, असफल हो जाना। Bolt of lightning, flash of lightning in the clouds, आकाश में बिजली चमकना। Growing straight, grow in an abnormal manner, अप्राकृतिक रूप से बढ़ना। Strikes, hits, मारना या पीटना। Tears up, spoils or rents, बिगाड़ना या बुरी तरह से फाड़ना। Divorced, separated legally, यानी कि तलाक। Tear, rent, यानी कि फाड़ना। Swell, large and wonderful in size, फूलना बड़े आकार में। So this was the lesson. Thank you so much for watching the video, everyone. See you in the next lesson. आज का लेसन अगर आपने enjoy किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।